में शाम करीब 7 बजे से 10 बजे रात तक एसपी विनायक वर्मा तिलक मार्केट चौक पर यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाने के लिए सड़कों पर नजर आए। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा के आसपास लगे अतिक्रमणकारियों के कारण यातायात व्यवस्था चरमरा जाती है, जिसे देखते हुए पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा और आरटीओ मनोज कुमार और यातायात डीएसपी ने जल्द ही व्यवस्था बनाने की पहल की। हम आपको बता दें कि कई लंबे बरसों से अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमण कर रोड में गाड़ियां खड़ी कर दी जाती है, जिसके कारण यातायात की व्यवस्था चरमरा जाती है। आने वाले समय में देखना होगा कि एसपी विनायक वर्मा और आरटीओ मनोज कुमार की यह पहल कितनी कारगर साबित होगी। रात लगभग 7 बजे से 10 बजे रात तक यातायात का पूरा अमला इसी मार्ग को सुचारू रूप देने का कार्य करता रहा। जिला छिंदवाड़ा में आज हम पार्टी पेट्रोल पंप के सामने खड़े हुए हैं। कुछ पत्रकारों द्वारा इशू रेज किया गया था आगे ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर, तो आज पूरे हमले के साथ हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उल्लेखनीय बात यहाँ पर है कि आप देख रहे हैं चारों तरफ से ट्रैफिक कन्वर्ज करता है और जगह की कमी की वजह से यहाँ रूटीन नहीं बनाई जा चुकी है। तो आरटीओ के साथ आज हमने एक असेसमेंट किया है और हम यहाँ पर एक रेड लाइट प्रस्तावित करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर इफेक्टिव ट्रैफिक सिचुएशन कोई नहीं हो सकता अस्थाई रूप से, जिससे व्यवस्था बिगड़े नहीं। आप देख रहे हैं पुलिस के द्वारा बैरिकेड भी लगाया गया है अलग अलग स्थानों पर, और बैरिकेड्स की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए, मतलब बैरिकेड की एक तरफा ट्रैफिक ही चले, ये प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही बिना नंबर प्लेट वाली वाहनों पर हमारा प्राइमरी फोकस है, और साथ ही साथ हेलमेट की समझाइश, 3 सवारी वाहनों पर रोकथाम, और नाबालिग बच्चे जो वाहन चलाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए हमने कहा है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चे जो नाबालिग हैं उनको बाइक की चाबी ना दी जाए, फ्रेम में इस तरह की चीज़ ना की जाए जिससे उनकी खुद की जान खतरे में आए। कृपया लर्नर लाइसेंस ज़रूर प्राप्त करें वाहन चलाने से पहले, और परमानेंट वाहन के बाद ही रेगुलरली आप गाड़ी चलाएं। इस तरह आज यहां पर हमने प्रयास किए हैं, ये प्रयास शहर के अन्य स्थानों में जारी रहेगा। NBC न्यूज़ के लिए छिंदवाड़ा से गजानन बोरकर की रिपोर्ट।